दोस्तों, नई नई गाड़ियों की लेटेस्ट वीडियो के लिए अभी दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकॉन भी तुरंत दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सब। दोस्तों, हुंडई की एक सेडान गाड़ी जो काफ़ी पसंद की जाती है अपने नाम से ही, उसी तरीके से जैसे कि मारुति की आप स्विफ्ट पसंद करते हैं या टाटा की नेक्सॉन पसंद करते हैं, यानी हर कंपनी की एक गाड़ी होती है फ्रेंड्स जो अपने नाम से ही जानी जाती है। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं दोस्तों हुंडई की वर्ना की। वर्ना की बिल्कुल स्टाइल ही कुछ और है। अगर मिड बजट में लोग स्विफ्ट को पसंद करते हैं तो हाई सेगमेंट में अगर जाते हैं तो निश्चित रूप से वर्ना को लेना चाहते हैं। तो ऐसी क्या खूबियाँ हैं, और ख़ास बात और है दोस्तों कि इसमें वर्ना का अब अपग्रेड हो गया है, यानी कि न्यू 2020 की वर्ना आ चुकी है। बहुत सारे फीचर्स इसमें अपग्रेड किए हैं, इंजन स्पेसिफिकेशन चेंज हुआ है, पावर चेंज हुआ है, माइलेज चेंज हुआ है। तो ऑल टू ऑल जो मेन चेंजेस आए हैं इस गाड़ी में, अब आपके लिए पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल, साथ ही पहले से ज़्यादा स्टाइलिश, साथ ही पहले से ज़्यादा सेफ्टी की भी ये गाड़ी आपके लिए बन चुकी है। हालांकि स्पेस तो सेडान गाड़ी होने के कारण इसमें शुरू से ही आता है दोस्तों। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं वर्ना के बारे में। कंपेयर वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि दोनों वर्जन में क्या डिफरेंस है, यानी जो ओल्ड वर्ना आती थी या जो करंट में न्यू वर्ना आ रही है, इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाले हैं। ये बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा प्राइस का भी निश्चित रूप से डिफरेंस आया है, कंपनी ने जो अपग्रेड किए हैं, लेकिन उसके हिसाब से अगर आप ये सिंसियरली माने तो ज़्यादा कोई चेंजेस इसमें नहीं आया है दोस्तों। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे गाड़ी के लेंथ की, और आपको पिक्चर्स के द्वारा हम दिखाएंगे भी क्या डिफरेंस दोनों गाड़ियों में आ रहा है। अगर न्यू वर्ना की बात करें तो इसकी लेंथ आती है दोस्तों 4440 mm की, जबकि पुरानी वर्ना की आती थी 4375 की, यानी 65 mm का इसमें ग्रोथ किया गया है लेंथ के अंदर दोस्तों। इसके बाद ब्रेथ की बात करें तो 1729 mm ओल्ड वर्ना का था, जो न्यू का आता था 1729 है और ओल्ड का आता था 1700, यहाँ पर -29 कम किया गया है। इसके बाद हाइट की बात करें दोस्तों तो 1475 आपको न्यू वर्ना में मिलता है और 1475 ही आपको ओल्ड वर्ना में मिलता है, यानी हाइट के अंदर बिल्कुल ही कंपनी ने किसी तरह का कोई भी चेंज दोस्तों यहाँ पर नहीं किया है। हाँ, लेकिन एक और बिल्कुल आपके काम में आने वाला फैक्ट है बूट स्पेस। तो बूट स्पेस में फ्रेंड्स काफ़ी चेंज किया है कंपनी ने। 480 लीटर का आपको न्यू वर्ना में मिलने वाला है, ओल्ड में आपको मिलता था 465 का, यानी कि लगभग 15 लीटर का आपको यहाँ पे एक्सटेंडेड बूट भी मिलने वाला है। तो ये भी आपके आप काम का सिस्टम आप इसमें मान सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो आपको ओल्ड वर्ना में मिलते हैं, करंट में कंटिन्यू किए गए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सटेंड भी कर दिए गए हैं। तो आप इनमें से बिल्कुल देख सकते हैं आपके जो काम में आने वाले बहुत सारे फीचर्स कंपनी ने ऐड कर दिए हैं, जिनकी डिमांड हमारे कमेंट्स बॉक्स में भी आती रहती थी कंपनी को, सर ये प्रोडक्ट में, ये वर्ना में, जो इस रेंज की गाड़ी है ये फीचर्स अवश्य होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम रियर एसी वेंट के। तो अब न्यू गाड़ी में आपको रियर एसी वेंट मिलने वाले हैं। टच स्क्रीन की बात करें तो टच स्क्रीन भी आपको न्यू वर्ना के अंदर मिलेगा। इसके अलावा हाइट एडजस्टेबल सीटें ड्राइवर की, जो आपको ओल्ड वर्ना में भी आती थी और न्यू वर्ना में भी आपको फ्रेंड्स ये कंटिन्यू मिलेगी। इसके अलावा पावर और ORVM की बात करें फ्रेंड्स, तो आप जानते ही हैं ओल्ड वर्ना में भी आता था और न्यू वर्ना में भी आपको पावर और ORVM मिलने वाला है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों ही गाड़ी में कंटिन्यू है, यानी पहले भी आती थी अब भी आती थी, और इसमें जो एक्सटेंड किया गया है वो आप मान सकते हैं टच स्क्रीन, एप्पल कारप्ले वगैरह इसमें जोड़ दिया गया है, एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले। तो ये आपका एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें अपग्रेड किया गया है। साउंड सिस्टम भी काफ़ी अच्छा हुंडई ने इसमें इंक्लूड किया है, और इसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल्स वगैरह जो आते हैं ओल्ड वर्ना के अंदर भी आपको मिलते थे और न्यू वर्ना के अंदर भी आपको इसी तरीके से फ्रेंड्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा एप्पल कारप्ले जैसा बताया, ये आपको पहले अवेलेबल नहीं था, करंट गाड़ी में ये अवेलेबल होने वाला है। इसके अलावा रियर वाइपर वॉशर भी ओल्ड गाड़ी में अवेलेबल नहीं होते थे, यानी इससे पहले जो वर्ना आती थी, और अब न्यू गाड़ी में आपको रियर वाइपर वॉशर भी अवेलेबल होने वाले हैं। इसके अलावा पुश बटन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम नॉर्मल सिस्टम है, पहले भी वर्ना की रेंज की गाड़ियों में आता था और अब भी अवेलेबल है। अब थोड़ी सी बात कर लें दोस्तों इसके पावर की, इंजन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉर्क की। तो टॉर्क 155 आपको मिलेगा न्यू गाड़ी के अंदर, ओल्ड में आपको दो ऑप्शन मिलते थे क्योंकि दो इंजन उसमें आते थे 135 और 155 का। डिफरेंस क्या था दोस्तों कि पहले 1.6 और 1.4 के दो विकल्प अवेलेबल थे, लेकिन करंट में अगर आप न्यू वर्ना लेने जा रहे हैं तो आपको केवल 1.6 लीटर का ही डीजल इंजन
मिलेगा, इसके अलावा दूसरा ऑप्शंस नहीं होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल टॉप 155 वाली गाड़ी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बीएचपी पावर की बात करें दोस्तों, पहले बीएचपी पावर भी दो ही अवेलेबल होंगी, क्योंकि जब दो ही इंजन थे 1.4 1.6 जिसमें 89 क्रमशः और 121 आता था, अब करंट में जो आएगा उसमें 121 बीएचपी की पावर मिलने वाली है। इसके अलावा टॉर्क, क्योंकि इस गाड़ी में टॉर्क 260 का मिलेगा, तो टॉर्क 60 का पहले भी मिलता था, 220 का दो ऑप्शन थे, अब वन ऑप्शन है केवल 260 वाला। अब कीमत की बात करें दोस्तों, 799 से लेकर 12.23 पेट्रोल वर्जन का, तो डीजल 990 से 12.61 ये इसका प्राइस रहने वाला है। और टॉप स्पेशल अगर आप डीजल पर जाते हैं यानी SX0 पर, तो 12.39 आपको यहाँ पर मिलता है। शोरूम दिल्ली की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा ट्रांसमिशन में भी काफ़ी डिफरेंस किया गया है दोस्तों। अब 6 स्पीड का MT यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलेगा, इसके अलावा 6 स्पीड का ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जबकि ओल्ड वर्ना में 5 स्पीड का MT, 6 स्पीड का MT एंड दो ऑप्शंस मैनुअल में भी अवेलेबल होते थे, और 4 स्पीड ऑटोमेटिक मिलता था। लेकिन अब दोनों को बिल्कुल अपग्रेड करके आप कह सकते हैं 6 स्पीड का MT और AMT केवल दो ही विकल्प अब दे दिए गए, यानी आप ऑटोमेटिक चाहते हैं तो 6 स्पीड आपको मिलेगा, मैनुअल चाहते हैं तब भी 6 स्पीड में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। तो ये काफ़ी इसका बेटर आप मान सकते हैं। इसके अलावा अब इसमें 1.6 लीटर का VTVT और 1 CRDI इंजन अवेलेबल होगा। माइलेज की बात करें दोस्तों, माइलेज में भी थोड़ा सा डिफरेंस आया है। न्यू वर्ना का है 17.70, ओल्ड में आता था 17.43, यानी थोड़ा सा आप अपग्रेड मान सकते हैं, लगभग 0.30 या 25 के आसपास आप इसमें थोड़ा सा लगभग बराबरी आप माइलेज से मान सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इनके सेफ्टी फीचर्स की, यानी सेफ्टी फीचर्स में क्या पहले ही वरना से इसे कुछ अपग्रेड किया है कंपनी ने, क्योंकि प्राइस तो आप किए ही किए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जहां तक ड्यूल एयरबैग की बात है, हमको पहले ओल्ड वरना के अंदर भी मिलते थे, तो ये तो आपको ड्यूल एयरबैग इसमें भी मिलने वाले हैं न्यू वरना में। इसके अलावा ABS, EBD ओल्ड वरना में अवेलेबल थे और करंट में भी आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा रियर पार्किंग कैमरा दोनों गाड़ियों में था, यहाँ पर डिफरेंस आया है रियर डिफॉगर का, जो न्यू वरना में मिलने वाला है, ओल्ड वरना में अवेलेबल नहीं होता था। इसके अलावा जहाँ तक बात है दोस्तों ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंट की, तो ये पहले अवेलेबल नहीं था ओल्ड वरना में, अब करंट में ये अवेलेबल होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों फॉग लाइट है आपकी फ्रंट में, या व्हील कवर्स हैं, एलॉय व्हील्स हैं, और या इसके अलावा पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो जैसे छोटे मोटे फंक्शन सभी अवेलेबल हो जाते हैं, पहले भी गाड़ी में अवेलेबल होते थे क्योंकि इस रेंज की ये गाड़ी है। इसके अलावा इंटीरियर में जो अन्य बात करें दोस्तों हम, तो टैकोमीटर है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर है, या इसके अलावा फैब्रिक अपहोलिस्ट्री है, या इसके अलावा ग्लोब कंपार्टमेंट है, डिजिटल क्लॉक है, या इसके अलावा दोस्तों डिजिटल ऑडोमीटर है, या इसके अलावा ऊंचाई एडजस्टेबल ड्राइवर सीटें हैं, वेंटिलेटेड सीटें भी इसमें मिलने वाली हैं। एक्सटीरियर में जो चेंज हुए हैं, एडजस्टेबल हेडलाइट्स आपको मिलती हैं, फॉग लाइट्स फ्रंट्स में बताया, पावर एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर इसमें ऑल्सो अवेलेबल होते हैं, और इलेक्ट्रिक फोल्डिंग रियर व्यू मिरर आपको मिलते हैं, और इसके अलावा रियर विंडो डिफॉगर जो करंट में ही अपग्रेड किया गया है, पावर एंटीना या एलॉय व्हील सनरूफ इस पे गाड़ी में अवेलेबल है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एंटीना, क्रोम ग्रिल, क्रोम गार्निश तथा ड्यूल टोन बॉडी कलर्स इस गाड़ी में नहीं आता है, कॉर्निंग हेडलैम्प्स हैं, और इसके अलावा ट्रंक ओपनर है। और दोस्तों जहां तक बात है टायर साइज की, 195/55 R16 के टायर मिलते हैं, ट्यूबलेस रेडियस, LED हेडलाइट्स हैं, LED टेल लाइट्स हैं, और सुरक्षा में हमने आपको जो फीचर्स बताए वो सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं, चाहे सेंट्रल लॉकिंग है, पावर डोर लॉक है, चाइल्ड सुरक्षा लॉक है, एंटी थीफ अलार्म है, और इसके अलावा टॉप वेरिएंट्स में आपको 6 एयरबैग्स इस गाड़ी में मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जहां तक बात करते हैं इसके साइड इंपैक्ट बीम, फ्रंट इंपैक्ट बीम, एडजस्टेबल सीटें, टायर प्रेशर मॉनिटर, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोग्राम तथा इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक है, या इंजन चेक वार्निंग है, या ऑटोमेटिक हेडलैम्प है, ये सारे फीचर्स आपको न्यू वरना में मिलने वाले हैं, चाहे वो EBD है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोग्राम है। एडवांस सुरक्षा फीचर्स की भी बात कर लेते हैं दोस्तों, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर कैमरा विद डायनेमिक गाइडलाइंस, इसके अलावा इकोम विद टेलीकेमिक स्विचेस, और इसके अलावा फॉलो मी हेडलॉम्स का फीचर भी इस गाड़ी में आपको मिलता है। रियर कैमरा या एंटी थीप डिवाइस भी इस गाड़ी में अवेलेबल है। एंटी पिच पावर विंडो आपको ड्राइवर विंडो में मिलती है। स्पीड अलर्ट है, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक आपको गाड़ी में मिलेंगे। ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, और
पुराने फीचर्स में हिल असिस्ट का फंक्शन भी आपको न्यू वरना में मिलेगा तथा ओल्ड में भी ये अवेलेबल था। और 360 व्यू कैमरे की बात करें वो इस गाड़ी में अवेलेबल नहीं होता है दोस्तों। एंटरटेनमेंट में आपको रेडियो है, फ्रंट स्पीकर है, स्पीकर रियर में है, इंटीग्रेटेड टोड इन ऑडियो है, वायरलेस फोन चार्जिंग है, USB ऑक्सिलरी इनपुट है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, टच स्क्रीन है, 8 इंच का टच स्क्रीन दोस्तों इस गाड़ी में आपको मिलता है। एडिशनल फीचर में फ्रंट हीटर्स आपको मिल जाते हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए। तो कुल मिलाकर इन सारे फीचर्स के साथ आपको ये न्यू वरना मिलने वाली है। तो डिफरेंस आपने इसमें देख लिया होगा, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी परचेज करनी चाहिए और कितना आपको बेनिफिट होगा जो हुंडई ने इसमें एक्सटेंड किया है प्राइस का। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ी होने वाली है। आप इसका जो भी वेरियंट पसंद करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, या फिर कह सकते हैं आपकी जो भी क्या बजट के अनुसार आप चाहें जिसे परचेज कर सकते हैं। और आपको वरना कैसी लगती है जो हमने शेयर किया डिटेल्स आप वीडियो में अवश्य कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए। साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें तथा आप जिस भी गाड़ी की डिटेल्स जानना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। एज ए कंपेयर चैनल आपको सिलेक्शन देने के लिए हर वक्त तत्पर है। नमस्कार दोस्तों।